हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टार्टअप इंग्लिश क्लास के साथ जुड़कर डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो चलिए, आज फिगर्स ऑफ स्पीच को स्टडी करने की सीरीज में की कड़ी में आज हम स्टडी करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटाफर और पर्सनिफिकेशन स्टडी किया था, तो आज उसी सीरीज में उसी कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोल और ऑक्सीमोरॉन को। तो हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति और ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास क्या होता है, हम आज यही सीखने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन तक पहुँचती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आई वॉन्ट योर अटेंशन फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स। तो ओके, लुक एट द बोर्ड, लेट्स स्टार्ट। दिस इज हाइपरबोल, HYPERBOLE, हाइपरबोल, जिसकी हिंदी होती है अतिशयोक्ति, अति शयोक्ति। तो हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, हाइपरबोल। आज हम फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति। देखिए, हाइपरबोल क्या होता है, पहले मैं आपको ओरली बता दूं। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार में होता क्या है कि हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर या बहुत अच्छा या बहुत बुरा बताकर प्रेजेंट करते हैं, जितना वास्तव में वे होती हैं। यानी किसी बात को वास्तविकता से बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर या ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बुरा बताया जाता है, जहाँ पर वहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। कोई चीज़ रियल में कितनी है, रियल में क्या है, उस वास्तविकता से, रियलिटी से उसको कम या ज़्यादा बताया जाए, ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बुरा बताया जाए, जहाँ कुछ ऐसा होता है वहाँ होता है हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, डेफिनेशन क्या होती है वो सीखते हैं हम। देखिए, हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इज अ फिगर of speech in which things are represented, in which things are represented as greater or less, comma, better or worse, than they really are. देखिए क्या है, हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। यानी हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसा अलंकार है, इन विच जिसमें थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है या पुनः प्रस्तुत किया जाता है एज ग्रेटर आर लेस, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आर लेस, घटिया घटा कर, बेटर आर वर्स, ज़्यादा बढ़िया या ज़्यादा खराब, देन दे रियली आर, जितना वास्तव में वे होती हैं उससे ज़्यादा,
तो हाइपरबोल का मतलब क्या हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब क्या हुआ कि ऐसा अलंकार, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर, ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बुरा जितना कि वास्तव में वे हैं उससे, जितना वास्तव में कोई वस्तु है उससे बढ़ा चढ़ाकर या उससे घटाकर प्रस्तुत किया जाता है जहाँ पर, वहाँ होता है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। देखिएगा एज फॉर द एग्जाम्पल, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है डैफोडिल्स, उसकी एक लाइन है 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, यानी एट ए ग्लांस एक नजर में एक दृष्टि में, सा आई आई सा मैंने देखा, 10,000 दसियों हजार डैफोडिल्स के पेले फूल, यानी डैफोडिल्स एक कहानी, एक पोएम है डैफोडिल्स जिसका मतलब एक फूल, एक प्रकार का फूल है डैफोडिल जिसका मतलब होता है पीली नरगिस, एक प्रकार का गोल्डन कलर का थोड़ा येलो टाइप का एक फ्लावर होता है। और उसी एक बार क्या होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ पहाड़ों के बीच में, इमेजिनेशन काल्पनिक रूप से पहाड़ों के बीच में होते हैं वो, और वहाँ पर वो डैफोडिल्स फ्लावर के ऊपर एक पोएम लिखते हैं, तो वहीं पर उसी के बारे में ये लिखा गया है 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, मैंने एक नज़र में एक दृष्टि में एक झलक में 10,000 पुष्प देखे। तो मतलब जबकि ना वो गिने होंगे ना वो 10,000 पुष्प रहे होंगे, लेकिन उन्होंने वर्णन तो ऐसे किया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक नज़र में 10,000 पुष्प देखे, अर्थात मैंने जिधर भी देखा, मैंने जिधर भी देखा दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह डैफोडिल्स के पीले फूल ही खिले थे, मतलब हर जगह फूल ही फूल थे, मतलब फूल बहुत ज़्यादा थे, तो उसको उन्होंने कह दिया 10,000 सा आई एट ए ग्लांस। फिर एक और एग्जांपल जो कि विलियम शेक्सपियर के एक ड्रामा मैकबेथ, उनकी ड्रामा मैकबेथ की एक लाइन है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, संपूर्ण अरब का या अरब का सारे संपूर्ण परफ्यूम विल नॉट स्वीटन दिस, नहीं महका पाएगा दिस लिटिल हैंड, इस छोटे से हाथ को। ये लाइन तब लिखी गई जब मैकबेथ की हत्या हो गई उनके महल में ही, और राजा मैकबेथ की हत्या हो गई उनके महल में ही, और हत्यारे का जो हाथ था वो खून से सना हुआ था, तो उसी जगह पर ये लिखा गया था कि मतलब उस जगह आया हुआ है, आई हुई है लाइन कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, कि पूरे अरब का सारा परफ्यूम भी इस छोटे से हैंड को महका नहीं पाएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि अरब परफ्यूम के लिए, सेंट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, अगर थोड़ा सा भी कोई परफ्यूम यूज करता है, सेंट लगाता है, इत्र लगाता है अरब का, तो पूरे घर में पूरे कमरे में महकता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सारा परफ्यूम भी अरब का उस छोटे से हाथ को या उसको महका नहीं पाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जिस अरब के परफ्यूम की एक बूंद पूरे घर को महका देती है, इवन कोई किसी व्यक्ति ने कपड़े में यूज़ किया है सेंट को, इत्र को, तो कपड़ा वॉश करने के बाद भी उस इत्र की, अरब के परफ्यूम की महक वहाँ रह जाती है। तो यहाँ तो जो उन्होंने यूज किया है, मतलब कहा है कि अरब का संपूर्ण परफ्यूम भी उस छोटे से हाथ को महका नहीं पाएगा, जबकि ये नहीं, सही नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, हाइपरबोले है। अगला एग्जांपल, रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, इन द बैटल
रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां फ्लोड बह गईं इन द बैटल, युद्ध में। युद्ध में खून की नदियां बहीं या खून की नदियां बह गईं, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ, युद्ध में बहुत मारकाट हुई, युद्ध में बहुत हिंसा हुई। तो उसको जहाँ पर ऐसे कह दिया रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बहेंगी, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। कितना भी खून क्यों ना बह जाए लेकिन वो नदी के रूप में बह पाएगा ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर वर्णन तो ऐसे ही हुआ है मानो कि उन्होंने कह राइटर ने कह दिया रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी युद्ध में खून की नदियां बह गई है, अर्थात युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ। उसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है वो कि नदियां ही बह गई खून की। तो यहाँ पर भी क्या है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, शी वेप्ट, वो रोई ओशियंस ऑफ टीयर्स, आंसुओं के सागर, वह आंसुओं के सागर रोई, वह आंसुओं के सागर रोई, मतलब इतना रोई कि जैसे आंसुओं का सागर भर गया हो, जबकि ये संभव नहीं है। कोई कितना भी रो दे सागर नहीं बन सकता उसके आंसुओं से। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अत्यधिक या बहुत ज़्यादा रोई, तो वो बहुत ज़्यादा रोई, इस बात को राइटर ने यहाँ पर कह दिया शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, वो आंसुओं के सागर रोई, अर्थात उसने इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कर दिया। यहाँ पर भी क्या है, हाइपरबोल है। अगला एग्जाम्पल, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। बेलिंडा मुस्कुराई, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड और ऑल द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार वॉज गे, प्रसन्न हो गया। बेलिंडा स्माइल्ड, बेलिंडा मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, और संपूर्ण संसार प्रसन्न हो गया। ये भी एक ड्रामा की एक लाइन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा, क्या ऐसा संभव है कि किसी बेलिंडा एक लड़की है, किसी एक व्यक्ति के मुस्कुराने संपूर्ण संसार खुश हो जाए, क्या ऐसा संभव है? नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह, जैसे घर में कोई छोटा सा बच्चा है, घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबका प्यारा होता है, तो जब वो दुखी होता है तो पूरा घर दुखी हो जाता है, और जब वो खुश होता है, मुस्कुराता है, तो पूरा घर हंस उठता है। ठीक वैसे ही प्रस्तुत किया जा रहा है इस लाइन को, मतलब बेलिंडा के मुस्कुराने से वहाँ का पूरा जो माहौल था वो पूरा खुशमय हो गया, सुखमय हो गया, सभी लोग मुस्कुराने लगे, सभी लोग खुश हो गए। तो उसको राइटर ने कह दिया कि बेलिंडा मुस्कुराई और संपूर्ण संसार ही खुश हो गया, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर भी क्या है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ यहाँ पर हुआ है। और एक एग्जांपल आपको देते हैं हम, क्लास नाइन्थ और टेंथ में पहले एक पोएम हुआ करती थी नेशन बिल्डर्स, यानी राष्ट्र के निर्माता, राष्ट्र के, उसी में एक, उसी के क्लाइन है, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, they build a nation's pillars deep, they build a nation's pillars deep and lift them to the sky, and lift them to the sky, they build a nation's pillars deep and lift them to the sky, they build, वे निर्माण करते हैं, बनाते हैं a nation's pillars, एक राष्ट्र के पिलर्स को, स्तंभों को, खंभों को, डीप, इतना गहरा, यानी वे राष्ट्र, किसी राष्ट्र के स्तंभ को, राष्ट्र के विकास के स्तंभ को इतना डीप बनाते हैं, और इतना, एंड लिफ्ट देम, और उन्हें इतना ऊपर उठाते हैं टू द स्काई, आसमान तक। मतलब क्या ऐसा संभव है कि कोई किसी पिलर को कोई आसमान तक पहुंचा दे, आसमान की तक टच करा दे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ वर्णन तो ऐसे ही हुआ है कि दे बिल्ड नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। अगर आपको और अच्छे समझना है तो आप नेशन बिल्डर्स एक पोएम है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं, कहाँ, जहाँ कहीं भी आपको मिले, बुक में या फिर गूगल आदि वगैरह पे कहीं पर भी। तो ये उसी पोएम की एक लाइन है, ये डैफोडिल्स की लाइन है, ये विलियम शेक्सपियर के एक ड्रामा की लाइन है।
तो आप इन जैसे ये कहा जाए कि जैसे रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, कि जलियांवाले बाग हत्याकांड में इतना खून खराबा हुआ कि खून की नदियां ही बह गई, मतलब बहुत खून खराबा हुआ। देखिए टेंथ, फिर एक बार देखिएगा पूरी डेफिनेशन, पूरा हम एग्जांपल से एक बार फिर से इस बात को बताता हूं मैं। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल एक ऐसा अलंकार है इन विच जिसमें थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर आर लेस, किस चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर या घटा कर, बेटर आर वर्स, ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा, देन दे रियली आर, जितना भी वास्तव में होती है उससे ज्यादा अच्छा ज्यादा बुरा बढ़ा चढ़ाकर घटाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो जहां पर किसी वस्तु को किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर या ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा बताया जाए उनकी वास्तविकता से, वहां पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है। देखिए एग्जांपल पहला है, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, ये डेफोडिल्स पोएम की एक लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, कि मैंने एक झलक में 10,000 पुष्प देखे, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। क्या संभव है कि युद्ध में खून की नदियां बह जाएं? संभव नहीं है। कुछ कितना भी लोग कट मर जाएं, कितने भी लोगों का खून खराबा हो, हत्या हो जाए, लेकिन नदियां बह पाना खून की संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है सेंटेंस का कि युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ और उसको राइटर ने बात बढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया। शिव ऑफ टोसियन सॉफ्ट ईयर्स, वह आंसुओं के सागर रोई, क्या ऐसा संभव है कि कोई आंसुओं के सागर रो जाए, यानी इतना रो दे कि आंसू आंसुओं से सागर भर जाए, सागर बन जाए, ऐसा संभव है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वह अत्यधिक या बहुत ज़्यादा रोई। Melinda smiled and all the world was gay. They built on his son's pillars deep and left them to the sky. मैं एक मिनट के लिए साइड होता हूँ और आप हाइपरबोल के डेफिनेशन और इसके इन सिक्स एग्जाम्पल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अभी मैं इसको यूज करता हूँ और इसी कड़ी में इसी सीरीज में हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो कि ऑक्सीमोरन है हम उसको स्टडी करने वाले हैं। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, कंटिन्यू बने रहिएगा और हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में ऑक्सीमोरन को स्टडी करते हैं। लेट्स कॉन्टिन्यू। नेक्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन जिसका मतलब होता है विरोधाभास। ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास। तो विरोधाभास अलंकार को आप इंग्लिश में ऑक्सीमोरन कहते हैं या फिर ऑक्सीमोरन की हिंदी विरोधाभास होती है, जो कि एक अलंकार है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए नाम ही लिखा हुआ है विरोधाभास। तो जहाँ पे विरोध, जहाँ पे अपोजिट चीज़ें यानी विरोधी चीज़ें प्रस्तुत की जाएं, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार यानी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो क्या होती है ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच के डेफिनेशन और क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल, कैसे होते हैं एग्जाम्पल, लेट्स स्टडी। तो देखिएगा ऑक्सीमोरन इज एम एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग, हैविंग अपोजिट
मीनिंग. तो ऑक्सीमोरॉन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग. ऑक्सीमोरॉन इज एन एसोसिएशन यानी विरोधाभास अलंकार एक संयोग है ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों का और फ्रेज अथवा फ्रेजेस का मतलब वाक्यांशों का, हैविंग अपोजिट मीनिंग, हैविंग अपोजिट मीनिंग जिसका अर्थ अलग अलग होता है. यानी विरोधाभास अलंकार अपोजिट अर्थ मीनिंग वाले यानी विरोधी शब्द वाले अपोजिट मीनिंग वाले दो शब्दों या दो फ्रेज का एसोसिएशन है, मिश्रण या संयोग है. तो देखिएगा, आप ये भी कह सकते हो कि ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच. ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें टू वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ अपोजिट मीनिंग्स, ऑफ अपोजिट मीनिंग आर यूज्ड टुगेदर. ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें विपरीत अर्थ वाले, विरोधी अर्थ वाले दो शब्दों या दो फ्रेजेस का, दो वाक्यांशों का एक साथ प्रयोग होता है. तो जहां पर एक आप ऐसा सेंटेंस देखें, आप कोई ऐसा एक्सप्रेशन देखें, एक ऐसा सेंटेंस देखें जहां पर दो ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के एंटोनिम हैं, एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड हैं, अगर कुछ ऐसा आपको दिखता है कहीं पर भी, तो वहां पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का यूज होगा. तो क्या है डेफिनेशन? ऑक्सीमोरॉन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग, या फिर ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ अपोजिट मीनिंग या हैविंग अपोजिट मीनिंग आर यूज्ड टुगेदर. तो लेट्स कम टू द एग्जांपल. एज देखिए कैसे होंगे एग्जांपल. जैसे आपको बता दूं, मैं सर हेनरी वॉटन की एक पोएम हुआ करती थी इंटरमीडिएट का सिलेबस में, जो प्रीवियस सिलेबस था बिफोर 5 ईयर्स, द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ एक पोएम हुआ करती थी सर हेनरी वॉटन की, फर्स्ट पोएम थी इंटरमीडिएट के सिलेबस में, 4-5 ईयर्स पहले का जो सिलेबस था, जिसमें हम लोगों ने भी उस पोएम को पढ़ा हुआ है. तो उस पोएम की लास्ट लाइन थी, एंड Having nothing, he had all. And having nothing, और कुछ ना होते हुए भी he had all, उसके पास सब कुछ होता है. जो आप had देख रहे हैं, ये actually इसका meaning होता है has. तो पोएट्री में कई बार वर्ब की एस या एस फॉर्म को टी एस से ऐसा लिख दिया जाता है, जैसे कि आपने मिल्क शेक्सपियर की एक पोएम पढ़ी थी मर्सी, उसमें थी इट ड्रॉप्ड, तो वहाँ पर ड्रॉप्स को उन्होंने ड्रॉप्ड कर दिया था, वैसे ये हैड का मतलब इस हैड से ही है. तो पोएट्री में जब भी आप किसी वर्ब के साथ आप टी एच लगा ऐसा देखते ही हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये वर्ब की एस या एस फॉर्म है जो कि लिखी गई है पोएट्री में इस प्रकार से. तो एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, और कुछ ना होते हुए भी ही हैड ऑल, उसके पास सब कुछ होता है. उस पोएम में सर हेनरी वॉटन ने बताया है कि एक खुशहाल जीवन की विशेषताएं या खुशहाल जीवन की चरित्र या गुण क्या होते हैं, कैसा व्यक्ति सुखमय होता है, कैसे व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है. तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नथिंग और ऑल. नथिंग मतलब कुछ नहीं और ऑल मतलब सब कुछ. तो नथिंग का अपोजिट क्या होता है, एवरीथिंग या ऑल. तो यहां पर नथिंग और ऑल दो वर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं जिनका मीनिंग अपोजिट है. तो यहां पर क्या है, यहां पर ऑक्सीमोरॉन है. हमने कहा दिस इज एन ओपन सीक्रेट. दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला रहस्य है. दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला रहस्य है. और आप सबको पता है कि जो खुल गया है, कोई बात लीक हो गई, कोई बात खुल गई है, तो वो रहस्य कहाँ बचेगी, अब रहस्य कहाँ रह गया. और जो रहस्य है तो वो ओपन थोड़ी होगा, रहस्य वही है जो गुप्त है, रहस्य वही है जो अभी लीक नहीं हुआ है, जो गुप्त है वही रहस्य है. लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है. तो ओपन सीक्रेट का मतलब होता ही ये क्लोज्ड,
वो मैटर जो क्लोज हो, वो मैटर जो लोग ना जानते हों, वो मैटर जो किसी को ज्यादा लोगों को पता ना हो, वह सीक्रेट कहलाता है। और जो ओपन हो गया वो सीक्रेट नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ तो ओपन और सीक्रेट दोनों यूज हुए हैं, जबकि ओपन और सीक्रेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम नेक्स्ट। जैसे हमने कहा यू आर रेगुलरली इरेगुलर, यू आर रेगुलरली, आप नियमित रूप से, इरेगुलर अनियमित है, आप नियमित रूप से इरेगुलर, सॉरी आप नियमित रूप से अनियमित हैं, यू आर रेगुलरली इरेगुलर। तो आपको पता है कि रेगुलर का उल्टा होता, अपोजिट होता है इरेगुलर, रेगुलर का अपोजिट वर्ड होता है इरेगुलर, और या फिर इरेगुलर का अपोजिट होता है रेगुलर। तो यहाँ पर रेगुलर और इरेगुलर दोनों यूज हुए हैं एक वाक्य में, एक सेंटेंस में, एक एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। जैसे आप नियमित रूप से अनियमित हैं, मतलब आप नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, आप अनियमित चल रहे हैं आजकल, तो वही है यू आर रेगुलरली इरेगुलर। यहाँ पर देख रहे हैं आप टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग आर यूज्ड टुगेदर। द नेक्स्ट वन इज लव इज अ, लव इज अ बिटर स्वीट, लव इज अ बिटर स्वीट, लव प्रेम इज अ एक है, प्रेम है अ बिटर स्वीट एक कड़वी मिठाई, प्रेम एक कड़वी मिठाई है। और जब कड़वी है तो मिठाई कहाँ कहलाएगी, और जो मिठाई है वो कड़वी तो होगी नहीं, आपको पता है भाई मिठाई मीठी होती है तभी तो मिठाई कहलाएगी, वो जो मीठा है वही मिठाई कहलाएगा, बिना मीठा के कोई मिठाई नहीं कहलाएगा। लव इज ए बिटर स्वीट, प्रेम एक कड़वी मिठाई है। प्रेम एक कड़वी मिठाई का मतलब है कि संघर्ष भी होता है प्रेम में, समस्याएं भी उठानी पड़ती हैं, कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, कई बार बहुत बहुत विरोध भी होता है, बहुत अपोज भी किया जाता है। तो इस प्रकार से और स्वीट है क्योंकि जब आपको लव की, प्रेम की प्राप्ति होती है तो आपको उसकी अनुभूति होती है, तो आपको स्वीट सा फीलिंग आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लव इज ए बिटर स्वीट, प्रेम एक कड़वी मिठाई है, जबकि आपको पता है कि जो मिठाई होती है वो कड़वी नहीं होती है, और जो कड़वी होती है वो मिठाई हो ही नहीं सकती है। तो बिटर और स्वीट दोनों का मीनिंग अपोजिट होता है, दोनों एक वर्ड एक साथ यूज हुए हैं इस सेंटेंस में, इसलिए यहां पर क्या है ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट एग्जांपल He is the wisest fool. वह सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। वह सब जब मान लो बहुत सारे, देखिए इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए बहुत सारे मूर्ख हैं तो उसमें कोई कम कोई ज़्यादा होगा, तो बुद्धिमान मूर्खों में भी कोई थोड़ा सा औरों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान होगा, कोई थोड़ा कम होगा। तो वहाँ पर का मतलब ये हुआ जो यहाँ पर सेंट्रल लिखा है ही इज़ द वाइजेस्ट फूल, वो सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। जब बुद्धिमान है तो मूर्ख कहाँ होगा, और जब मूर्ख है तो बुद्धिमान कहाँ होगा। लेकिन यहाँ पर वाइजेस्ट और फूल दोनों का यूज हुआ है जो कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं आप, वन मोर एग्जांपल इज हियर। जैसे सी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ love, she is feeling sweet pain of love, she is feeling, वो महसूस कर रही है, अनुभूत कर रही है sweet pain of love, प्रेम के मीठे दर्द को, वह प्रेम के मीठे दर्द को महसूस कर रही है, फील कर रही है। आपको पता है कि पेन कभी स्वीट नहीं होता है, जो पेन है वो कष्टदायक होता है, दर्द का मतलब है कड़वा, लेकिन she is feeling sweet pain of love, वो
लव के स्वीट पेन को फील कर रही है, तो यहाँ पर स्वीट और पेन जो है वो अपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड्स हैं। जरूरी नहीं कि वर्ड एग्जैक्ट अपोजिट ही हो, जरूरी नहीं कि वर्ड से यहाँ पर नथिंग और ऑल एग्जैक्ट अपोजिट है, रेगुलर और इरेगुलर, बिटर और स्वीट, वाइज और फुल, इन कुछ सेंटेंसेस में एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड यूज हुआ है। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सेंस अपोजिट होता है, वो एग्जैक्ट अपोजिट तो नहीं होते हैं लेकिन अपोजिट मीनिंग उनका होता है। तो आप देख पा रहे हैं ऑक्सीमोरॉन ओ एक्स वाई एम ओ और ओ एन, ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग, का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा अलंकार है जिसमें विपरीत या विरोधी अर्थ वाले दो शब्दों का एक साथ प्रयोग होता है। आप ये कह सकते थे ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग आर यूज्ड टुगेदर। फॉर द एग्जाम्पल एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, यहाँ पर नथिंग और ऑल दोनों अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। दिस इज अन ओपन सीक्रेट, यहाँ पर ओपन और सीक्रेट दोनों अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। यू आर रेगुलरली इरेगुलर, यहाँ पे रेगुलरली और इरेगुलर दोनों अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। लव इज बिटर स्वीट, यहाँ पे बिटर और स्वीट दोनों अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। ही इज द वाइजेस्ट फूल, यहाँ पे वाइजेस्ट और फूल दोनों अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। सी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, यहाँ पे स्वीट और पेन दोनों अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीमोरॉन एंड हियर आर द सिक्स एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स। जस्ट फॉर ए मिनट आई एम गोइंग साइड एंड यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Yes, I hope कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज की क्लास, आज के सेशन में हमने हाइपरबोल, फिगर ऑफ स्पीच डेफिनेशन और एग्जांपल्स, उसके सिक्स एग्जांपल्स और डेफिनेशन पढ़ी, और ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच उसकी डेफिनेशन और हमने उसके सिक्स एग्जांपल पढ़ी। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, हाइपरबोल और ऑक्सीमोरॉन आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा कम समझ में आया हो तो आप कई बार वीडियो को बैक करके कई बार 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स बार बार आप कई बार देखें उसको, और बार बार देखने से और देखने के बाद आप इसको एक कॉपी लीजिए अपनी नोटबुक जिसमें आप नोट कर चीज़ों को नोट करते हैं, और पेन लीजिए और जब इसे कई बार राइट करिए, तो राइट many times the definition and the examples, or through writing many times and through reading many times you'll understand the definition and the examples of hyperbole and oxymoron that I taught you today. ओके तो समझ में आपको आया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। अगले इसी सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं कल एपोस्ट्रॉफी और ऑनोमेटोपोया को। तो मैं आपसे कल फिर मिलूंगा इसी टाइम, तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।